नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। रोहतक के कैनाल ब्रेस्ट हाउस में भाजपा जिला कार्यकारिणी और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसल ने की। हरको बैंक के चेयरमैन और भाजपा जिला प्रभारी अरविंद यादव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जिला प्रभारी अरविंद यादव का कहना है कि भाजपा के संगठन को मजबूत करने और भाजपा की ओर से आयोजित आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने के बारे में बैठक हुई है। अरविंद यादव ने किसान आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है, अब कुछ असामाजिक तत्व भी बैठे हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। कौन सी मीटिंग हुई है, क्या इस मीटिंग का एजेंडा था? अभी पिछले दिनों हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, फिर वहाँ जो फैसले होते हैं वो प्रदेश में जाते हैं। तो अभी पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो जो हम लोगों ने प्रदेश में तय किया था उसको हम नीचे जिलों में लेके जाते हैं और जिले के बाद मंडल में लेके जाते हैं। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमारे हरियाणा के सब 22 जिलों के अंदर कार्यकारिणियाँ तय हुई हैं। तो रोहतक जिले के अंदर 11 तारीख को होने वाली है, तो वही कार्यकारिणी की तैयारी के लिए आज रोहतक जिले के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी और उसी में चर्चा करके सुचारू ढंग से हो, अच्छे तरीके से हम जो संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को अपनी कार्यकारिणी में, वो सारी बातें जाएँ, जो राजनीतिक प्रस्ताव लाना चाहते हैं उस पर चर्चा, तो यही सब बातों के लिए आज की ये बैठक हम लोगों ने की है। संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं ये संगठन। दूसरी तरफ जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी छोड़ करके जा रहे हैं, देखिए ये इतना बड़ा दल है, इसमें रोज़ कुछ ना कुछ लोग आते हैं, कोई ना कोई किसी कारण से, अपने पारिवारिक कारण से, कुछ राजनीतिक कारण से छोड़ के चले जाते हैं, तो एक अविराम चलने वाली गति है इसमें। लेकिन ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो एक बार आ जाता है, क्योंकि हम लोगों का पार्टी में डिफरेंस कहते हैं, एक अलग काम करने का तरीका है और परिवार की तरह हम पार्टी को चलाते हैं, हम कॉरपोरेट की तरह पार्टी को नहीं चलाते हैं। तो इसलिए जो आके हमारे साथ घुल मिल जाता है, वो कोई ऐसा कोई विशेष कारण ना हो तो बात दूसरी, अदरवाइज कोई हमको साथ छोड़ के जाता नहीं है। हमारे पास मैग्नेट है, जो आ गया वो हमारा हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिले में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, देश में भी हैं। तो ये एक परिवार की तरह चलने वाला संगठन है। कुछ जो बीजेपी कार्यकर्ता कुछ नाराज भी चल रहे हैं इसको लेकर के, क्योंकि संगठन को भी छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा है कि कोई छोड़ने वाला नहीं है, ये एक परिवार का मामला छोटा मोटा होता है। किसी को प्रदेश में स्थान मिल गया, किसी को जिले में मिल गया, किसी को मोर्चों में मिल गया, किसी को प्रकोष्ठ में मिल गया, अभी बहुत सारी रचना हमारी बाकी है। तो जो कोई कार्यकर्ता हैं छूटे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई राष्ट्र सेवा के लिए, पार्टी सेवा के लिए काम देती है, तो ऐसा कोई हाथ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का नहीं बचता जिसके पास कुछ ना कुछ उसके हिस्से में संगठन को करने के लिए ना हो। सब कार्यकर्ताओं को काम मिलता है। किसान आंदोलन आड़े आ रहे हैं, ये जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता को छोड़ के जा रहे हैं या कुछ नाराज हो रहे हैं या कांग्रेस है भी, देखिए जो आंदोलन था वो आंदोलन की हवा निकल गई है, ये तो आप लोग देख रहे हैं। अब वो आंदोलन ना होके कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रोह बन गया है कि जो सिवाय असामाजिक तत्वों का, कि जो शरारत करने का कहीं हमारे विधायक के साथ, कहीं हमारे मंत्रियों के साथ, कहीं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और आंदोलन जो होते हैं वो आंदोलनों के अंदर ये सब काम कभी भी नहीं होते हैं। आंदोलन लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, हम अपने आंदोलन को करें, ढंग से करें, शांतिपूर्वक करें, सत्याग्रह करें, वो एक हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक। लेकिन जो अब स्वरूप उभर के आ रहा है, ये आंदोलन नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये एक शरारतपूर्ण कृत्य है जिसको किसी भी तरह से सभ्य समाज के अंदर, सभ्य लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं ठहराया जा सकता। 11 तारीख को होने वाली बैठक में कौन कौन खास तौर पर? 11 तारीख की हमारी बैठक में पूरे प्रदेश में तय किया है कि प्रभारी के नाते मैं रहने वाला हूँ, इसके बाद पदाधिकारी के तौर पर, क्योंकि हमारे प्रदेश का एक पदाधिकारी रहेगा, तो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी यहाँ रहने वाले हैं, हमारे 2 सांसद आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी यहाँ रहने वाले हैं, और प्रदेश सरकार की तरफ से सुभाष बराला जी इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। तो यही बैठकों का स्वरूप पूरे प्रदेश के अंदर कुछ कल हो चुकी है और 11 तारीख तक जाके हमारे 22 जिलों की बैठकें संपन्न हो जाएंगी प्रदेश में। बहुत